सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे क्लासेज मेवाड़ में। आज हम हल कर रहे हैं पहल 2 रिचकारी पुस्तिका हिंदी कक्षा 3 2022। इसमें हल करेंगे हम समग्र मूल्यांकन एंडलाइन असिसमेंट जो पेज नंबर 113 से लेकर 116 तक हैं। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएँ और सब्सक्राइब करें जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। प्रश्न नंबर 1, नीचे बने चित्रों के नाम अधूरे लिखे उन्हें पूरा करें। तो इसका हो जाएगा घी लिख दें या गिलास, ये होगी तितली, गुड़िया, किसान। रेखांकित वर्णों से नए शब्द बनाइए, माप और दाल से। इसमें माँ लेना, इसमें ले माल। गुलाब में ला और चिड़िया में या लाया। डोली का डोर, मोर का रे डोर। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों में उनका नाम लिखें। यह है कबूतर, यह है मोर, तोता और कौआ। प्रश्न नंबर 4, खाली जगह में नीचे लिखे वर्णों में से सही वर्ण छांट कर भरिए जिससे दोनों शब्द बन जाएं। ये होगा शहर, इसका होगा शहर। ऊपर से नीचे महंगा, दाएं से बाएं लहंगा। ऊपर से नीचे दुकान, दाएं से बाएं मकान। कलश, कलम। 5वां प्रश्न है, दिए गए चित्र को देखकर कोई दो वाक्य लिखिए। लड़का पौधे में पानी दे रहा है, लड़की पौधों की निराई गुड़ाई कर रही है। प्रश्न नंबर 6 है, नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़िए वे प्रश्नों के उत्तर दें। आओ चिड़ियाँ आओ, खिड़की में बैठ जाओ। फुर फुर करती चिड़ियाँ आई, खिड़की में बैठ गई। कुत्ते ने किया गुर गुर, चिड़ियाँ उड़ गई फुर फुर। चिड़ियाँ कहाँ बैठी थी? खिड़की में। चिड़ियाँ कैसे उड़ती हैं? फुर फुर। आप चिड़ियाँ होते तो कहाँ कहाँ उड़ कर जाते? हम सभी जगह उड़ उड़ कर बैठते। 7वां प्रश्न है, नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। सरला का सबसे प्यारा खिलौना घोड़ा था, वह इसे बहुत पसंद करती थी। वह इसे नहलाती, सजाती, संवारती रहती थी। खेलते हुए उससे बातें करती, उसकी माँ उसे कहती कि मेरी प्यारी बेटी सरला, खेलने के बाद पढ़ाई भी कर लिया कर। सरला का सबसे प्यारा खिलौना क्या था? सरला का सबसे प्यारा खिलौना घोड़ा था। सरला की माँ उससे क्या कहती? सरला की माँ कहती खेलने के बाद पढ़ाई भी कर लिया कर। आप भी घर पर खेलने के बाद क्या क्या करते हैं? खेलने के बाद पढ़ाई करते हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य लिखें। पुस्तक, राम ने पुस्तक पढ़ी। पतंग, श्याम पतंग उड़ा रहा है। लड्डू, आज हमने लड्डू खाए। पापा, पापा आज बाजार जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 9 है, नीचे दिए गए शब्दों को उचित शब्द छांट कर वाक्य पूरा करें। वे उदयपुर जाएंगे, कमरे में बच्चे बैठे हैं। 10वां है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरा करें। बोतल में ठंडा पानी है तो यह हो जाएगा बोतल में गर्म पानी है। बीना बहुत दुखी है, बीना बहुत सुखी है। बैलगाड़ी का बहुवचन बैलगाड़ियाँ हैं तो बकरी का होगा बकरियाँ। जूता का जूते, रेखा का रेखाएँ, बंदर का बंदरों। निम्नलिखित वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाएं। गांव वालों ने क्या पूछा? प्रश्नवाचक। सबको पता चला कि चोर आए थे? विस्मयादिबोधक। मेरे बस्ते में किताब, कोमा, कॉपी, कोमा, पेन और पेंसिलें हैं? पूर्ण विराम। प्रश्न नंबर 13, आपने जो मेला देखा हुआ उसके बारे में लिखें। हमने अजमेर का पुष्कर मेला देखा है, वे देश विदेश से अपने सैलानी आते हैं। अनेक सैलानी आते हैं यहाँ के सरोवर में। नाना एक धार्मिक महत्व, कई प्रकार की यहाँ प्रतियोगिताएं, खेल, नृत्य होते हैं। बहुत सारे पशु यहाँ बिकने के लिए भी आते हैं। बताइए कौन सी वस्तु डूबेगी, कौन सी तैरेगी? कंकड़, पत्ता, कील, चप्पल, नाव और बाँट। तो इसमें तैरेगी पत्ता, चप्पल और नाव, डूबेगी कंकड़, कील और बाँट। प्रश्न नंबर 15, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को अपने मन से पूरा करें। चिड़िया रानी कहाँ गई थी? यहीं थी भाई, यहीं थी भाई, दाना चुग रही थी।
चिट्टी रानी, चिट्टी रानी कहाँ गई थी? यहीं थी भाई, यहीं थी, मैं खाना खा रही थी। गाय रानी, गाय रानी कहाँ गई थी? यहीं थी भाई, यहीं थी भाई, मैं घास चर रही थी। बिल्ली मौसी कहाँ गई थी? यहीं थी भाई, यहीं थी, मैं दूध पी रही थी। हाथी दादा कहाँ गए थे? यहीं था भाई, यहीं था, मैं गन्ना खा रहा था। यह था समग्र मूल्यांकन, एंडलाइन असिसमेंट, जो कि इस कार्य पुस्तिका का आखिरी असिसमेंट है। स्क्रीन पर जो प्लेलिस्ट का चित्र दिख रहा है, उसमें हमने सभी कार्यपत्रक, सभी आकलन के हल इसमें डाल रखे हैं। यहाँ से आप सभी के हल एक साथ भी देख सकते हैं। हल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।